देश भर से रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपर्ट्स, एनर्जी लीडर्स, इन्वेस्टर्स पधार रहे हैं राजस्थान की धरती से, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश भर के अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में काम करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो सब लोग आए। आज एक अच्छी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद समय निकाल करके इस कॉन्क्लेव में बता रहे, और उन्होंने जिस तरह से डेवलपर्स को आश्वस्त किया कि राजस्थान की सरकार तमाम तरह की सुविधाएं देने के लिए तैयार है, दे भी रही है। नियमों में भी जो हमारी नीतियां हैं उसमें हमने काफ़ी संशोधन भी किए हैं, और आने वाले समय में भी यदि किसी भी प्रकार का इस कॉन्क्लेव के माध्यम से भी जो सुझाव आएंगे उन पर भी गौर किया जाएगा, और उसके अलावा भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उस समस्या का समाधान राजस्थान सरकार करेगी। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में देश में पहले नंबर पे है, और ये तभी संभव है जब राजस्थान सरकार की नीतियाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो हमेशा सोलर के क्षेत्र में काम करने वाले, या तमाम ऐसे जो उद्योगपति हैं जो राजस्थान में काम करना चाहते हैं, तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और राजस्थान सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से आज राजस्थान देश में पहले नंबर पे, ये बहुत अच्छी कॉन्क्लेव आयोजित हुई है और मैं इसकी सफलता की भी कामना करता हूँ। और इसमें जो भी बातें निकल करके आएगी, चाहे वो राजस्व विभाग से संबंधित है, चाहे ऊर्जा विभाग से संबंधित है, या उद्योग विभाग से संबंधित है, उन तमाम विभागों के अधिकारीगण से के साथ बैठ करके और उन तमाम मुद्दों का समाधान किया जाएगा। राजस्थान में जितना भी निवेश हो रहा है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ निवेश ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हो रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि राजस्थान की जनता को कितना लाभ हो जाएगा, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे राजस्व में हो, राज्य को क्या लाभ प्रदेश को हो सकता है? देखिए, राजस्थान में करीब 80-90% जो इन्वेस्टमेंट है वो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहा है, और उसका जो मुख्य कारण जो मैं जैसे मैं बताया कि सरकार की अच्छी नीतियां और उसके साथ साथ यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ का मौसम है, यहाँ की भूमि की उपलब्धता है, ये सभी बातें हैं उसकी वजह से राजस्थान आज आगे है। और राजस्थान के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोलर के प्लांट यहाँ स्थापित करें, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका रॉ मटेरियल होता है वो इंडस्ट्रीज भी यहाँ स्थापित करें, ताकि राजस्थान के लोगों को और ज़्यादा रोज़गार मिले। एक ये था कि राजस्थान के लोगों को एनर्जी जो यहाँ से बनाई जाती है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में सोलर के माध्यम से एनर्जी बन रही, लेकिन वो दूसरे देश के सभी राज्यों में जाती है, तो राजस्थान को भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। उसमें हम केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, और ओवरऑल राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के लोगों को जो है रोज़गार भी मिला है, और उसके साथ साथ जो किसान अपनी भूमि लीज पर देना चाहते हैं तो उनको एक अच्छा किराया भी मिल रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा भी गवर्नमेंट लैंड भी इन्वेस्टर्स को बड़ी अच्छी संख्या में, बड़ी मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है। धन्यवाद सर।